अब छोटी जी दुआ विच जाने हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू मेरे महान जिंदा यहोवा परमेश्वर जी, धन्यवाद कर दिया मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं ताड़ी हजूरी ताड़ी प्रार्थना चाहनी है मेरे अब्बा परमेश्वर, मैं कुछ नहीं परमेश्वर, तुसी मैनू इत्थे बिठाउण वाले मेरे अब्बा परमेश्वर जी, ताड़ा धन्यवाद कर दिया मेरे परमेश्वर जी, सर्व शक्तिमान परमेश्वर जी, परमेश्वर अज वचना नाल परमेश्वर गलबात करना मेरे परमेश्वर, जो इत्थे जिंदगियां परमेश्वर एक एक जन नू ब्लैस करना परमेश्वर, कोई भी परमेश्वर अज इत्थे सेम ना जावे परमेश्वर, ब्लैसिंग और दुगने मसीह ना भरना मेरे यहोवा परमेश्वर जी, धन्यवाद परमेश्वर जी। मैं अपने आप नू अपने पूरे परिवार नू तेरे पाक पवित्र लोहू विच कवर कर दी परमेश्वर, इत्थे जिन्ने भी जाना है परमेश्वर ना सब नू तेरे पाक पवित्र लोहू विच कवर कर दी मेरे अब्बा परमेश्वर जी, धन्यवाद कर दी यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर यहोवा सर्व शक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद 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 साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे और पा लैने, आमीन आमीन। जय मसीह की सारे नू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा आज का टॉपिक है प्यार, जो परमेश्वर ने साडे नाल कीता, प्यार लव जो परमेश्वर ने साडे नाल कीता। तुहानू पता है परमेश्वर ने साडे नाल किन्ना प्यार कीता, क्योंकि इत्थे जिन्ने भी जाने बैठे ना सब नू पता उस परमेश्वर दे प्यार नू। तो आपां वचन विच चलदे हां, आपां निकालदे हां यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 विच परमेश्वर ने लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत नू अजिहा प्यार किया कि जो उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, तां जो हरेक जो उसते नेचा करे नाश ना होवे पर संदीपक जीवन पावे। हालेलुया आमीन। परमेश्वर सानू इत्थे की कह रहे, देखो पहला प्यार परमेश्वर ने साडे नाल कीता, स्टार्टिंग कित्थों हुई, परमेश्वर तो। परमेश्वर ने सब तो पहला साडे नाल प्यार किया, फिर ही उसने जगत नाल इन्ना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र साडे लई कुरबान कर दिता, कि उहदा प्यार इन्ना डूंगा सी, इन्ना गहरा सी कि उहने अपने बेटे की परवाह नहीं की, उहने अपने बेटे लई जान साडे लई निशावर कर दी। सिर्फ साडे नाल प्यार करदा सी, इसलिए उहने अपनी जान निशावर की ना, साडे पापां नूं माफ करन लई, सानूं छुटकारा देण लई परमेश्वर ने अपने बेटे की कुरबानी कर दी। क्योंकि सब तो पहला स्टार्टिंग परमेश्वर ने अपने प्यार तो की, परमेश्वर ने इस जगत ने ऐसा प्यार किया कि वह जहा प्यार किसी ने नहीं उसने किया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र साडे लई कुरबान कर दिता। सचमुच परमेश्वर इन्ना प्यार करते हैं ना, सचमुच उस प्यार की कदर सानू होनी चाहिए है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर यहोवा। स्टार्टिंग उस प्यार तो ही, उस परमेश्वर ने जिसने सानू इस जगत विच इन्ना प्यार किया, उस लव तो, उस प्यार ने उसने सृष्टि नू रचाया, उस प्यार ने उसने सानू बनाया, उस प्यार ने सानू इन्ना सोहना बनाया, सानू जिंदगियां दित्तियां, सानू साह दित्ते, की सी उहदे विच, इक प्यार ही सी ना, होर कुछ नहीं ना, इन्ना प्यार इन्ने साडे नाल किया। स्टार्टिंग ही उन्हें अब यीशु मसीह नू भेजन तो पहला ही उन्हें साडे नाल प्यार किया, फिर उन्हें अपना एक लौता पुत्र साडे लई कुरबान किया। स्टार्टिंग उन्हें कितों कर दी, प्यार तो, प्रेम तो। अज असी उहदे प्यार नू समझना कि उन्हें किन्ना साडे नाल प्यार किया। हालेलुया। असी उस तों बाद दूसरा निकालांगे, पहला यूहन्ना 4:7-9 तक, उहदे विच लिखिया है, हे प्यारिओ आओ असी एक दूजे नाल प्रेम रखिए, क्यों जो प्रेम परमेश्वर तो है, अते हरेक जेड़ा प्रेम करता है वह परमेश्वर तो जम्मिया होया है और परमेश्वर नू जानदा है। जेड़ा प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर नू नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। आमेन। देखो इत्थे किन्नी वधिया गल और क्लियर कर दिती है कि आओ असी सब जन एक दूजे नाल प्यार करिए, जिस तरह परमेश्वर ने साडे नाल प्यार किया, उस तो बाद दूसरा प्यार यीशु मसीह ने किया साडे नाल। पहला प्यार परमेश्वर ने जिसने जगत बनाया, उस तो बाद दूसरा प्यार किया साडे परमेश्वर यीशु मसीह ने। और परमेश्वर सानू कह रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे कि तुसी भी एक दूजे नाल इहो जिहा प्यार करो जिस तरह मैं तुहाडे नाल किया। परमेश्वर कहते हैं कि जेड़ा परमेश्वर तो जम्मिया ना वह सबना प्यार करेगा, और जेड़ा परमेश्वर तो नहीं जम्मिया ना किसी ना प्यार नहीं करेगा। परमेश्वर कहते हैं कि तुसी मेरे प्यार की वैल्यू जानोगे ना, फिर ही तुसी मेरे पुत्र पुत्र कहलाओगे। धन्यवाद कर दिए मेरे यहोवा परमेश्वर का कि सानू इन्ना प्यार वो कर दिया सर्व शक्तिमान परमेश्वर ने। परमेश्वर ही प्रेम है। परमेश्वर ने किसी जा परमेश्वर ने सानू चुनिया, सानू इत्थों तक लेके आए, पर असी भी बहुत भटके हुए सी, सानू परमेश्वर इत्थों तक लेके आए। की सी इहदे विच? परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर कहिंदे आ जिस तरह मैं प्यार किया ना, तू भी अपने सब नाल प्यार कर, एक दूजे नाल प्यार करो, सब नाल प्यार करो, फिर ही तुसी मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे। उस तो बाद परमेश्वर ने बाइबल विच लिखा, पहला पत्रस 4:8, सब तो पहला यह है भाई तुसी एक दूजे नाल प्रेम रखो, क्यों जी
क्यों जो प्रेम बालिया पापा नू टक दिंदा है। आमेन। देखो अगर आपा प्रेम नाल चलांगे ना, उस परमेश्वर दे प्यार नाल चलांगे ना, तो देखना जेड़े सी गलती गुना हर कोई करदा जिंदगी च, असी भी कीते सीगे, बहुत कीते सीगे, पर जो असी उस मसीह विच आए, परमेश्वर ने सानू चुनिया, असी उस परमेश्वर दे प्रेम विच रंग गए, परमेश्वर ने सानू उस प्रेम विच रंग दिता, क्योंकि ओह जिहा प्यार किसी ने नहीं किया, और परमेश्वर ने सारे बाले पापा नू टक दिता। अज असी बहुत चेंज हो चुके हैं, परमेश्वर चेंज करने वाला है। हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड। परमेश्वर जिस तरह की लिखते हैं पहला करंथिया 13:13 विच परमेश्वर ने लिखा है, हुण तां नेचा आशा प्रेम ये तिने रहिंदे हन, पर इन्हां विच सब तो उत्तम की है प्रेम। देखो इन्हों तिना दे विच ही सब तो पहला की दिता गया प्रेम। देखो कहिंदे विश्वास नेचा होप आस प्यार तिने दसे आ, पर आपां नूं सब तो पहला बेस्ट की दिता गया वा प्रेम। कहिंदे प्रेम कर, यह चीजा सब कुछ तेरे नाल हो जाणगीआं। प्रेम होएगा, तेरा विश्वास भी होएगा, नेचा भी होएगी। सब तो पहला की दिता गया वा प्रेम, सब तो उपर प्रेम नूं ओहदा दिता गया वा। जिस तरह रोमिया 8:28 विच भी लिखा है, असी जानते हाँ भाई जेडे परमेश्वर नाल प्रेम रखते हैं सारिया अवस्था ओहदे लई मिलके की हुंदी ना भलाई दी, जिस उन्हां दे जेड़े अर्थात उन्हां दे जेड़े परमेश्वर दे मनसा अनुसार सद्दे हुंदे हन। आमेन। देखो जेड़ा इंसान परमेश्वर नाल प्रेम रखदा ना, जेड़ा अपने गुआंढी नाल, परमेश्वर ने तो सानू कहा जेड़े अपने गुआंढी नाल भी मतलब वैर ना रख, अपने गुआंढी नाल भी प्यार कर, अपने सताउण वालियां नाल भी प्यार कर, जेड़े तैनूं गाली गलोच करदे ना ओहदे नाल भी प्यार कर, जेड़े तैनूं बुरा बोलदे ना ओहदे नाल भी प्यार कर, क्योंकि अगर तेरा प्यार होएगा ना तेरे लिए कोई हानि नहीं हो सकती, सारिया योजना तेरे लिए मिलके की होंगीआं भलाई दीआं होंगीआं, साडे लिए कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि असी परमेश्वर दे प्यार विच रंगे रहना वा, और परमेश्वर जिहा ही प्यार साडे विच होना चाहीदा है। हालेलुया। सर्व शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सर्व शक्तिमान परमेश्वर जी, बाइबल दसती है कि प्रेम इस विच नहीं है कि तुसी प्रेम किया, प्रेम तो इस विच है कि उसने साडे नाल प्रेम किया। सब तो वड्डी गल है, बाइबल इस विच दसदी है, देखो मैं तुहाडे नाल किन्ना प्यार करदा, परमेश्वर कहिंदा देखो मैं तुहाडे नाल किन्ना प्यार करदा वा, परमेश्वर कहिंदा मैं अपनी कलीसिया भी उसनूं दवांगा जिन्नूं इह पता होवे कि मैं उन्हां नाल किन्ना प्यार करदा। परमेश्वर ने इह गल्लां बोलियां होईआं कि तुहानूं पता होणा चाहीदा कि मैं तुहाडे नाल किन्ना प्यार करदा वा, सानूं इस चीज़ दा पता होणा चाहीदा, साडा प्यार समुंदर तों वी गहरा होणा चाहीदा, समुंदर दी डुंगियाई तुहानूं सब नूं पता है, साडा प्यार इहो जिहा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने साडे नाल इहो जिहा प्यार कीता, साडा भी प्यार इहो जिहा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने साडे ने पिता वर्गे ने प्यार कीता, ते उन्होंने साडे लई उन्होंने अपना पुत्र कुरबान किया, उन्हें पुत्र ने साडे लई किन्ने कोड़े खाधे, किन्ने तसीहे चले, की सी उहदे विच, एक प्यार ही सी ना, एक प्यार सी जी उन्हें साडे लई इन्ना कुछ किया, इन्ना कुछ उन्हें अपने तसीहे चले, मतलब तुसीं सब जानदे हो, तुसीं सब मेरे भैन भरा, तुहानूं सब नूं पता कि उन्हें किन्ने कष्ट चले, असी किसी लिए इन्ना कर सकते हैं नहीं, पर उन्हें साडे लिए की क्यों किया, क्योंकि वह एक प्यार सी उहदे विच, की सीगा उहदे विच, प्यार सी, उह साडे नाल प्यार ही इन्ना करदे सी। असी भी चाहुंदे हां कि असी उन्हां वर्गे बनीए, असी भी चाहुंदे उन्हां दा प्यार असी हासिल होर करिए, परमेश्वर तां साडे नाल प्यार करदे आ, पर असी भी एक दूजे नाल प्यार करिए, पर किद्दां कर सकते हैं, असी जानते हैं बाइबल विच ही इहदा उपाय दस्सिया, इहदा आंसर दस्सिया कि आपां किस तरह उसका प्यार होर हासिल कर सकते हैं, ते उहदी रीतियां ते किद्दां चल सकदा है, जिस तरह परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर की आग्ञा का, पिता की आग्ञा का पालन किया, इस तरह सानू भी उन्हां दी आग्ञा का पालन करना चाहिए। असी जावांगे गलातियां 5:22 विच की लिखा है, उत्थे आत्मा दे फल है, गलातियां 5:22 विच की है, आत्मा दे फल, प्रेम आनंद शांति धीरज दयालगी भलाई ते वफादारी। देखो नौ फल है ना, इन्हां नौ फलां दे विच फस्ट नंबर ते की आ रहा है, प्रेम। सब तो पहले नंबर ते परमेश्वर ने किन्नू ओहदा दिता, प्रेम नूं। कहिंदे आ कि इह नौ फल है, इन्हां विच सब तो पहला जे असीं पहला ही कबूल कर लईए ना प्रेम, ते बाकी साडा अपने आप साडे विच आ जाणी, विश्वास भी आ जाणा, वफादारी भी आ जाणी आ, भलाई भी आ जाणी आ, पर सब तो पहला सानू काम की करना, प्रेम करना, एक दूजे नाल प्यार करना, अपने वैरी नाल भी करना, अपने गुआंढी नाल भी करना। हुण गुआंढी ये नहीं कि जिहड़ा साडा नेबर आ, वह नहीं है गुआंढी, वह भी हो सकता जिन्हों असी जानते नहीं आ, असी जानते नहीं, उस तक भी अपना परमेश्वर का वचन पहुंचाना वा, खुशखबरी का प्रचार पहुंचाना वा, उस तक भी, ता ही असी परमेश्वर के प्यार विच होर रंगे जा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा है सब की भलाई कर, आनंद विच शांति विच रह, सब दी भलाई कर, हेल्प कर सब दी, सच्चा सच्चाई ते वफादारी ना चल,
ਇਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ? ਆਏਗਾ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ 9 ਫਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਸਰ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ। ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਚ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਓਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 9 ਫਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। 9 ਫਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਫਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਸੀਹ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੁਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਹੋਤਾ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾ। ਕਹੋਤਾ ਨੀਤੀ ਵਚਨ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੋਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਐਸਟਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨੀ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਮਰਾ ਨੂੰ ਨੀ ਜਾਣਦੀ, ਸੋਨੀਆ ਇੰਜਲ ਨੂੰ ਨੀ ਜਾਣਦੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੀ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀ ਜਾਣਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੀਸੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਟਕਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੁਟਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ। ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਟੱਪ 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 ਟੱਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀ ਟਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ,
मैं अपनी गवाही दे रही हूँ तुहानू कि इस तरह का समा आ गया ना मेरी जिंदगी दे विच कि इन्ना दुख के इन्ना परेशानी आ गई ना, मेरे हसबेंड उत्ते जेल का चक्कर पै गया कि इन्हों नू इस तरह का आ गया कि इन्हों नू जेल जाना पै गया। इन्ना वड्डा केस सी ना कि वह जेल दे विच वह केस दे विच कोई बाहर नहीं आ सकता ही, केस बहुत वड्डा सीगा। पर मैनू किसी ने फिर जो दस्या ना परमेश्वर का शुभ समाचार मेरे को पहुंचया। हालेलुया, धन्नवाद कर दी परमेश्वर का। परमेश्वर के शुभ समाचार आने तो पहला मैं रातां नू इसे जगह ते इसे घर विच रातां नू बैठ बैठ के रोना, बारह 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 एक एक बजे दो दो बजे तक बैठ बैठ के रोना, क्योंकि मैं कल्ली रह गई सी। मेरे हसबेंड जेल चले गए सी, मैं कल्ली रह गई सी, मेरे बच्चे छोटे छोटे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिता सी, सारे रिश्तेदार भैन भरा सब चले गए सी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिता सी। उस टाइम परमेश्वर ने देखा, मैं परमेश्वर नू नहीं जानती सी, परमेश्वर ने देखा, उन्हें मेनू आवाज दिती। उस टाइम परमेश्वर का प्यार सी जिन्हें उन्हें मेनू आवाज दिती, मेरे तक शुभ समाचार पहुंचया, उसका शुभ समाचार मेरे तक पहुंचया। जिन्हें भी मेनू पहुंचाया मैं उदा भी धन्यवाद कर दी हाँ, परमेश्वर का भी धन्यवाद कर दी। मेनू उन्हें कहा कि तुसी प्रेयर स्टार्ट कर दो, मैं जो प्रेयर करनी मैनू करनी तो नहीं आती सी, मैं पास्टर जी के थ्रू प्रेयर स्टार्ट करवानी स्टार्ट कर दी। जो मेरे हसबेंड की जेल के अंदरों भी कॉल आती होंगी सी ना, मैं कॉन्फ्रेंस से भी उन्होंने फटाफट पास्टर जी को कॉल लगा देनी कि इन्हों के कन्ना विच प्रेयर दी दो लफ्ज ही चले जान। इस तरह कर दे और महीने दो महीने परमेश्वर ने एडा चमत्कार किया, क्योंकि केस भी एडा वड्डा सी, पर मेरे यहोवा परमेश्वर तो वड्डा कोई नहीं। मैं धन्नवाद कर दिया परमेश्वर का। हालेलुया, ये जमानत तो बाहर आ गए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बाहर आ गए। मैं धन्नवाद कर दी, मेरी जीवन की बहुत वड्डी गवाही है, बहुत वड्डी। जो ये जेल तो बाहर आ गई ना, तो मैं फिर भी भटक गई। मैं क्या मेरे बाबे ने कर दिता सारा कुछ, मेरे गुरुद्वारे जाती सी ना वह असर हो गया। मैनू इन्ना नहीं पता सी कि परमेश्वर ने कर दिता, इन्ना इन्ना दिमाग नहीं सीगा काम करता उस टाइम। फिर मैं क्या लै, मैं तो गुरुद्वारे जान लग गई, मैं धन्नवाद धन्नवाद कर लग गई। परमेश्वर कहें लै तो फिर भी नहीं आ रही, इनू तो हम लिया पैना वा। किस तरह लैके आए फिर परमेश्वर दसो, मैं तुम अगे भी दस दी हाँ की होया फिर मेरे नाल। मैं ना साडा काम नहीं चलता हुंदा सी, काम साडा बंद हो गया। तो असी पहला बहुत भटके, असी सियाणियां को जाना, बाबियां को जाना, बाबियां को जाना, बाबियां को जदों गए तो कहिंदे मेरी छोटी बेटी सीगी 7 साल दी है मेरी बेटी, कहिंदे जी तुहाडी ना बेटी च ना दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम, इहनू भूत चिंबड़े हुए आ मैनू कहिंदे। तो बाबे कहिंदे, वह लेडी सीगी कोई, कहिंदी। मैं क्या अच्छा, तो कहिंदी वह तुहानू नहीं दिखदी, हमेशा दे नाल रहिंदी है। मैं क्या अच्छा, तो उन्हें की किया वो ना सिर ते होंगे झाड़ू पूछ जे करने वाले, वो सिर ते रख दिता कुड़ी दे, मेरी दे वो सिर ते रख दिता। तो मेरी कुड़ी है इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह हिलन लग गई। तो मैनू लगा कि यह सही नहीं हो रहा, जो हो रहा सही नहीं हो रहा है ना। मैं उस टाइम उस लेडी नू रोक दिता कि नहीं रुक जो, मैं काम नहीं करना। कहिंदे इहदे सिर ते भूत लिआउणा वा, कहिंदे इहदे सिर ते भूत लिआउणा, जाहर करना बाहर, नहीं नहीं तो अगे जाके इन्हें बहुत तंग होना जो वड्डी हो जाना उन्हें। यह मेरी बेटी एदा 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 हिलन लग गई, तो मैं उन्होंने उत्थे रोक दिता। मैं क्या नहीं, मैं ये काम नहीं कराना, मैं सोच समझ के घर जाके दसांगी। और तुम मनोगे, यकीन मनोगे, वीरवार की रात सी, मैं रात को इस तरह बिस्तरे ते पई, मैं सौंदी नहीं हुंदी सी, क्योंकि मेरे दिमाग से टेंशन बहुत हो गई सी कि मैं अपनी बेटी को बचावा किदे, क्योंकि भूत चिंबड़ गए इन्हू। मैं रात को सोना ना वीरवार की रात, इदा ही मेरे अचानक बैठी बैठी दिमाग च आया। उस टाइम मैं परमेश्वर की आवाज न फिर सुनिया, उस टाइम मेरे दिमाग च आया अगर मैं यीशु मसीह नू मन्ना ना कि मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। एकदम एकदम मेरे मन च आवाज आई एकदम, मैं क्या हालेलुया। अच्छा मैं सवेरे उठी, सवेरे फ्राइडे का दिन सी, मैं मम्मा ना गल की, मैं क्या मम्मा मैं अगर अपनी अगर मैं यीशु मसीह नू मन्ना लग जा तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। मम्मा कहें अफकोर्स होएगी, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान। मैं उस दिन तो लैके अज का दिन जाता वा परमेश्वर दे विच, कोई भूत प्रेत साडे लागे नहीं आंदे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्नवाद कर दिया परमेश्वर दा। मैनू उन्हें चुनिया, इस दलदल च कुड़िया, मैं बहुत अंधकार विच फसी सी, सच्ची मैं बहुत अंधकार विच फसी, धागे बनने तविता बनने, अज मैनू परमेश्वर ने उन्हें सारे बंधना तो आजाद कर दिता। अज मैं बिलकुल फ्री हाँ। पहला हुंदा सीगा केड़े वीरवार नहीं नहाना, सिर नहीं नहाना, मंगलवार कपड़े नहीं धोने, पर अज परमेश्वर ने मैनू सारे बंधना तो आजाद कर दिता। मैं धन्नवाद कर दी परमेश्वर का, मैं सच्चे दिलों धन्नवाद कर दी, सच्चे दिलों सचमुच बहुत प्यार कर दिया परमेश्वर साडे नाल। थोड़े दिनों की मेरी गवाही एक होर मैं शेयर करना चाहनी हाँ। इस मिनिस्ट्री जो मैं जुड़ी हाँ, मैं पास्टर जी नू किसी नू नहीं जानती,
मैं किसी नूं नहीं जानती सी, पर परमेश्वर बिठाउण वाले हुंदे आ, करन वाले सब कुछ ओ हुंदे, आपां कुछ नहीं हुंदे। मैं इत्थे मैं बोलन वाली नहीं है, मैं कदी प्रचार नहीं कीता, सच्ची नहीं कीता, पर मैनूं बुलाउण वाले भी परमेश्वर आ, और हमेशा वो अपने नाल हुंदे आ, अपने बच्चियां नूं चुंदे आ। जदों मेरे हसबेंड जेल चले गए सी ना, ते मेरे रिश्तेदार मैनूं कहिंदे हुंदे सी, इह निकम्मी आ, इहने अपना घर नहीं सांभिया, इह निकम्मी आ, इहने अपना घर नहीं सांभिया। अज देखो परमेश्वर ने निकम्मी नूं कित्थे बिठाया, अज देखो परमेश्वर ने निकम्मी नूं कित्थे बिठाया। मैं धन्नवाद करदी हां परमेश्वर दा। मेरे थोड़े दिनां दी अगवाई है, जदों दी मैं मिनिस्ट्री नाल जुड़ी हां ना, मैं धन्नवाद करदी इस मिनिस्ट्री नाल जदों मैं जुड़ी हां परमेश्वर। जिस दिन मैं थोड़े दिन की गवाही दसदी इस मिनिस्ट्री च, मेरी प्रोफेसी होने तो पहला एक दिन पहला मैं सानू थोड़ी मनी प्रॉब्लम सीगी, थोड़ा बिजनेस थोड़ा जा सीगा, बिजनेस ते ना काम चलाउण वास्ते थोड़ी मनी प्रॉब्लम सीगी। तो मेरे हसबेंड कहिंदे रजिंदर आपां पैसे हुण किहदे को मंगीए, मेरे थोड़े हसबेंड कर जाते हैं, तो कहते रजिंदर आप पैसे कि रिश्तेदार को मंगिए, तो मेरे मुँह एको वर्डिंग हुई सी कि आप किसी को रिश्तेदार को पैसे नहीं मंगने, मेरा बैठा ना प्यो वो आप ही इंतजाम करेगा। तुम मनो मैं परसनल दुआ च गई, मैं परसनल दुआ च मंगिया कि परमेश्वर सारे इंतजाम तू करने वाला है। और तेई जबूर मैं हमेशा बोलती होंगी सी, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। इस जबूर मैं अपनी जिंदगी च रसीव किया। और तुम मनोगे इस मिनिस्ट्री च जो मैं रात को आई ना, तो पास्टर पीटर जी ने मेरे से प्रोफेसी की और कहते तुम मनी प्रॉब्लम आ। मैं इन्नी हैरान हो गई ना, मैं क्या, मैं तो इन्हों कुछ नहीं दसिया, मैं तो एक सिर्फ परसनल दुआ की ना, मैं तो अपने प्यो ना गल की कि मैंने पैसे की जरूरत आ, पर दुआ देखो कित्थे दी कित्थे पहुंची। मैं तो इन्हों नहीं दसिया, मैं तो जानती नहीं सी इन्हों। पर पास्टर जी मैं तुम्हें कहना चाहनी, उस दिन जो मैं रो रही सी ना, उस दिन मेरे पैसों की कमी लिए हंजू नहीं आ रहे सी, मैं इसलिए रो रही सी कि परमेश्वर तुसी मैंने कहा सी परमेश्वर तेरा प्यार बहुत करते हैं, तेरा गोद तेरा सिर परमेश्वर की गोदी में होंगे, तुसी यह वर्डिंग बोली सी, वह वर्डिंग मेरे दिल में इन्नी छूई कि परमेश्वर मैंने इन्ना प्यार करते हैं। मैं पैसे लिए नहीं रो रही सी, मैं ता रो रही सी कि मैंने परमेश्वर प्यार किन्ना कर दिया, मैंने इतों तक लैके आए। मैं सचमुच धन्नवाद करती हाँ कि परमेश्वर सचमुच इन्ना प्यार करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लवांगी, अगर कोई गलती गुनाह हो गया तो मैं माफ कर देना, मैं परमेश्वर तो भी सॉरी मांगती हाँ। एक लास्ट एक आयत तो बोलांगी, एक लाइन छोटी जी बोलांगी, मैं नीवी मेरा परमेश्वर उच्चा, मैं नीवी मेरा परमेश्वर उच्चा, असा उच्चिया दे नाल लाई, सदके जावा उन्ना उच्चिया ते जिन्ना नीवियां नाल निभाई, सदके जावा उन्ना उच्चिया ते जिन्ना नीवियां नाल निभाई। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अगे दा समा मैं पास्टर जी दे हत्थां सौंपनी आ। धन्नवाद परमेश्वर दा, थैंक यू।